अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2A है जो मैथमेटिक्स बुक 1 D1 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन है उसकी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे आज की वीडियो में। इससे जो पहले क्वेश्चन हम पहले कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपका दिल करे तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें है जी यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने नंबर लाइन को यूज़ करके ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने करना क्या है कि मतलब कि इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने के जितने भी हैं, 2 होल 2 बाय 5 0 माइनस 4 6 माइनस 2.8 माइनस 0.55 4 माइनस 1 बाय 10 सो ऑन, इन सबको हमने क्या करना है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई इतना मुश्किल जो है ये नहीं है। तो ये नंबर लाइन जो है ये मैंने पहले से यहाँ पे बना ली थी, ठीक है, बॉल पॉइंट से ही बना ली थी। इसमें मैंने किया क्या है, 0 लिखा है और उसके बाद मैंने 1 2 3 मतलब कि पूरी 0 से लेके 1 तक जो है ना मैंने इसके बीच में 10 का गैप किया, फिर 1 से लेके 2 तक, ठीक है, इस तरह मैंने 10 10 के गैप्स जो हैं वो इसमें मैंने किए हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ये मैंने पहले से बना ली थी, जिस तरह स्केल पे होता है वैसे ही मैंने यहाँ पे बना लिया है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या हमारे पास 2 होल 2 बाय 5, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में करते हैं, तो 5 2 का क्या होता है 10 10 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 12, तो ये हमारे पास यानी कि आता है 12 बाय 5, इधर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास बनता है 12 बाय 5, इसको हम वो कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 अंदर 5 बाय 5 2 10, पीछे बचे 2.054 20, ठीक है, यानी कि ये असल में क्या हमारे पास 2.4 है, 2.40 माइनस 4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 2.4 है, ठीक है, 2.40 माइनस 4 6 माइनस 2.8, तो इनको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 2.4, तो 2.4 हम देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2.4 कहाँ पे हमारे पास, तो ये 2 है, 1 2 3 4, ये फोर्थ लाइन है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2.4, लेकिन यहाँ पे अब हमने 2.4 नहीं लिखना, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में यही हमने लिखना है 2 होल 2 बाय 5। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या हमारे पास 0 है, तो 0 कहाँ पे है, ये रहा जी 0, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारे पास 0 है, फिर -4 है, तो ये रहा जी -4, तो -4 हो गया। -4 के बाद देख लेते हैं क्या हमारे पास 6 है, तो 6 जो है ये रहा हमारे पास 6, तो यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, ये है जी मेरे पास 6 6, के बाद क्या हमारे पास 2.8, तो और क्या हमारे पास -2.8 है, तो ये हमारे पास -2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है जी जगह, ये यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ -2.8, बस इतनी सी बात, इतने से इजी से ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, उस पर मैंने ऐसे ही नंबर लाइन जो है ड्रॉ, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे लाइंस बीच में ड्रॉ की हैं ताकि आपको पता चले कि हर पॉइंट के बाद मैं लगा रही हूँ। वैसे आपने जब करेंगे ना ये क्वेश्चंस, तो आपने क्या करना है कि सिंपल ये जिस तरह ये मैंने लगाई है ना, इस तरह ही लगा के बस आपने उसके बीच में पॉइंट जो है इनको प्लॉट कर देना है, और अगर मुश्किल लगता है तो फिर इस तरह बीच में छोटी छोटी लाइंस, यानी कि हर 2 पॉइंट्स के बीच में 10 लाइंस, ठीक है, तो ये तकरीबन 10 नहीं है, ये मैंने लगाई है 9 होती हैं, ठीक है, 10 तो ये खुद होते हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खुद, फिर 9 फिर ये 10, ठीक है, तो इस तरह आपने कर लेना है। तो ये अभी हम करते हैं इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट में है जी -0.55, अब ये मेरे पास क्या है 55 है, तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास है 0 है, यानी कि हर पॉइंट को हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास क्या है -10 मतलब कि -0.10 -0.20 0.30 40 50 60 70 80 90, और फिर जब 100 टर्म होगी तो ये -1 बन गया, ठीक है, यानी कि इसको मैं यहाँ से आपको करीब से भी दिखा देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, ये कह रही हूँ कि अब 0.55 है ना, तो ये 0 है, यानी कि ये 0.10 0.20 0.30 40 0.50 0.60, यानी कि 0.50 और 0.60 के यहाँ पे दरमियान में किसी जगह पे होगा हमारे पास 0.55, तो यहाँ पे फिर मैं इसको कर देती हूँ प्लॉट, मेरे पास है 0.55, तो ये 50 है, तो 50 और
60 के दरमियान में यहाँ पे आएगा माइनस 0.55। उसके बाद क्या हमारे पास 4 है, तो 4 ये सामने हमारे ये कर दी हमने 4। अब हमारे पास है जी -1/10, -1/10 है, इसको डिवाइड जाहिर सी बात है हमें करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ इसको। 1 को हम रख लेते हैं अंदर, 10 को रख लेते हैं बाहर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो पॉइंट तो नीचे आ गया 10, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 10 1 10। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास, यानी कि ये मेरे पास इसका आंसर क्या आया, -0.1, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पे किसी जगह पे होगा, बिल्कुल साथ में, जीरो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी ये लगा देती हूँ एरो, इसको नीचे लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि 55 लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -0. अब 0.1 नहीं आपने लिखना, जो क्वेश्चन में गिवन होता है वही लिखना, -1/10 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 कहाँ पे हमारे पास ये है, तो इसको लिख देते हैं 2। फिर उसके बाद हमारे पास है -2, तो ये रहा -2, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -2। अब चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमने तो लिखना है इंटीजर्स बिटवीन -4 से 4 के दरमियान में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, तो वो सारे ये आ जाएंगे -4 और 4 के दरमियान में, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इनको छोड़ के इनके दरमियान में जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमने करने हैं हाईलाइट। तो यानी कि ये सारे हमारे पास आएंगे, ये सारे। ठीक है, सॉरी ये बीच वाला पॉइंट था, ये मतलब के सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ -3 -2 -1। ठीक है, ये सब हमारे पास आ जाएगा। फोर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला इंटीजर्स लिखे -4 और 4 के दरमियान में, तो ये सारे हमारे पास आ गए। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर <10 पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटे, तो 10 से छोटे जितने भी हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 0 से बड़े होंगे वो सारे, तो यानी कि ये 1 से लेके 10 कहाँ तक, 10 है, यानी कि 1 से लेके 9 तक सारे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फिर ये सारे हमारे पास आ गए 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, बाय यूजिंग नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नंबर लाइन को यूज करके हमने इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास नंबर लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर ली थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके बीच में वैसे लाइन्स नहीं, क्योंकि जाहिर से बात है हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, इसमें देखें 230 तक जा रहा है, तो फिर अगर वैसे मैं स्केल वाली लाइंस बनाना शुरू कर दूँ तो फिर तो ये नहीं होगा, इस वजह से मैंने जस्ट रफली सा ऐसे नंबर लाइन बना ली है। अब इसमें हमने ने प्लॉट करना है, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है 230, तो 220 और 240 के बीच में, यहाँ पर मैंने 20 का गैप कर दिया, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है कि -3 से हमारे पास है ये, तो -13 से लेके 230 तक है, तो फिर मैंने इस वजह से इनमें 20 का गैप कर दिया ताकि मैं इसे 230 तक यहाँ पे लिख सकूँ। तो मेरे पास 230 है, यानी कि ये 220 और 240 के यहाँ पे किसी जगह मिडल में होगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कर देती हूँ, ये आ गया मेरे पास 230। फिर क्या है मेरे पास -13 है, तो ये 0 और इसके दरमियान में ये आ गया हमारे पास 10, और 10 के थोड़े से आगे होगा 13, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा हमारे पास -13। ठीक है जी, अब क्या हमारे पास 23 है, ये आ गया 20 से थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पे हमारे पास 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद है -3, तो 0 से ज़रा सा आगे हमारे पास होगा यहाँ पे -3। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद क्या हमारे पास हमने -230 भी कर लिया, -13 भी कर लिया, 23 भी कर लिया, -3 अब आ गया 30, तो 20 और 40 के दरमियान में यहाँ पे होगा हमारे पास 30। अब इन सब को हमने क्या करना है, अरेंज करके लिख देना, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ से देख के बस लिखना शुरू कर दें।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या माइनस थर्टीन, यानी कि अरेंजमेंट जब हमने किया तो उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पहले माइनस थर्टीन, फिर आ रहा है माइनस थ्री, फिर आ रहा है 23, फिर आ रहा है 30 और सबसे एंड में आ रहा है 230। तो ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ नीचे कि ये मैंने इसे अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने करना है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या हमारे पास माइनस 0.5, तो यहाँ पे देख लेते हैं जीरो कहाँ पे है, ये जीरो है तो जीरो के किंग बिल्कुल करीब ही होगा ये 0.5, तो यहाँ पे हम कर देते हैं हमारे पास माइनस 0.5। उसके बाद क्या है हमारे पास 150, तो 150 कहाँ होगा, 140 और 160 के दरमियान में, ठीक है जी। उसके बाद क्या है 15 है, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 20 से थोड़ा पीछे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। उसके बाद क्या माइनस 10, तो माइनस जो है 20 जो है जीरो और माइनस 20 के बीच में यहाँ पे किसी जगह होगा, तो मैं इसे यहाँ पे ऊपर करके लिख देती हूँ, क्या है मेरे पास माइनस 10। तो हमारे पास माइनस 10 हो गया। माइनस 10 के बाद हमारे पास क्या है माइनस 3/20, तो इधर साइड पे मैं इसे डिवाइड करके देख लेती हूँ कि मेरे पास क्या इसका आंसर आएगा। तो 3/20 है, तो इसको हम कर देंगे 0.30, 21/20 पीछे बचे 10, पॉइंट है 100 हो जाएगा, 25/100 हमारे पास क्या होता है 100, यानी कि 0.15 आ रहा है। तो 0.15 हमारे पास कहाँ होगा, ये तकरीबन जीरो से बिल्कुल करीब होगा, ये मतलब कि 0.5 से भी पीछे होगा, यहाँ पे किसी जगह पे होगा। तो मैं इसको यहाँ से करके ऊपर ले जाके यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा मेरे पास मतलब कि हम 0.15 तो नहीं अब लिखेंगे, हम लिखेंगे -3/20, ठीक है। तो अब हम इसको नीचे लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैं किस में लिख रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मैं लिख रही हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आ रहा है -10, ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, -10 आ रहा है। फिर मेरे पास आ रहा है -0.5, फिर आ रहा है -3/20, फिर हमारे पास आ रहा है जी इसके बाद आ रहा है 15 आ रहा है, और 15 के बाद हमारे पास जो है ना वो आ रहा है 150, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 150, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है, ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको बोलेगा सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।